हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज ही संडे और संडे को मैंने वीडियो बना रही थी और बहुत सारा मुझे सफाई करना था। कुछ तो मैंने वीडियो नहीं अब मतलब इसमें रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि क्या है ना, और स्टोरी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं आप लोग से पूछना ही भूल गई कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा यही कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ईश्वर के आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ है। तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है और आने वाली लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। तो भी क्या हुआ ना, संडे था तो संडे को मैं सैटरडे को तो क्या करती हूँ, सैटरडे को सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ और जितना हो सकता है जितनी चीज़ें सब साफ़ कर देती हूँ मतलब कि। तो कल मैंने क्या किया था ना, उस वाले रूम का सोफ़ा वोफ़ा सब साफ़ कर दिया था, घर क्लीन कर दिया था, सोफा कवर चेंज कर दिया था, सब कुछ चेंज कर दिया था और मतलब धुल दिया था। और तो वही मैं दिखाना ही भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था, मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था तो मुझे याद ही नहीं था कि वीडियो शुरू कर दूं। तो बस फिर मुझे अभी याद आया संडे को, तो सैटरडे को तो मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं था। तो मैं संडे को मैंने कहा चलो अच्छा बना ही देते हैं। फिर मन नहीं करता कभी कभी ना कि क्या करें क्या ना बने क्या बनाएँ, और एक तो घर में रहती हूँ तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बस इसीलिए, और यहाँ पे ना क्या हुआ, तो पकौड़ी बनाया था तो वही बनाया था हस्बैंड ने, तो वही मैं ठंडा तेल होने का इंतज़ार कर रही थी। मतलब वो पकौड़ी ना, पकौड़ी वकौड़ी एक दो बार बना के मतलब और बेसन छोड़ देते हैं ताकि तुम लोग बनाए ना, मतलब उसका लिक्विड पेस्ट छोड़ देते हैं। तो बस यही था, और पकौड़ी बना के मुझे रिफाइंड रखना था, तो इस डिब्बे में मतलब रिफाइंड में डाल देती हूँ जिसे यूज करना रहता है तो इसी में रहता है, और बाकी तो बड़े वाले डिब्बे में रहता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफ़ाई कर रही थी अच्छे से, और साफ़ सब मतलब सुबह एक बार पोछ लिया था लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं किया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा सरफ डाल के और वो करके एक बार पोछ लूँ फिर दोबारा से पोछ दूँगी। तो एक बार मैंने पोछ दिया था, फिर दोबारा मैं पोछ रही थी पानी से, तो वही सब था। और ये क्या होता है ना कि पकौड़ी बनाते समय ना जब गिर जाता है ये आटा का, मतलब कि आटे कह रहे मैं बेसन का घोल, तो पूरा है जो ना चिपक जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी, डिब्बा भी साफ़ कर रही थी। मतलब यहाँ पे ना तीन चार डिब्बा रहता है, मतलब वहाँ पे फिर नहीं बनता है, जैसे दोपहर में कुछ खाने का मन रहता है तो यहीं पे बन जाता है, वहाँ नहीं बनता है तो यहीं पे बना था। और ये मैं सब डिब्बा उब्बा पहुँच रही थी, क्योंकि घर को साफ़ रखना ना मैंने मेरी ज़िम्मेदारी समझ ली है, मेरी चीज़ों को मैंने समझ लिया है कि हाँ मुझे घर क्लीन रखना है, मुझे सब चीज़ें सही रखनी है। और चाहे कोई करे या फिर मतलब कि करती ही हैं प्रिया पिंकी, करती ही हैं सब चीज़ें, लेकिन क्या है ना कि किचन का ये होता है ना कि आप अपने तरीके से रखते हो, वो अपने तरीके से रखते हैं, बस यही अंतर है चीज़ों को रखने में और देख रेख करने में। तो बस, और तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी और ये मैंने डिब्बा यहाँ पे लगाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बनती रहती हैं, जैसे मीट मछली बनता रहता है तो वहाँ मसाला का डिब्बा रहता है, और तेल वगैरह ये सब चीज़ का डिब्बा रहता है, तेल रिफाइंड नमक हल्दी मिर्च मसाला जो होता है, जो भी होता है उनको लगता है वही सब रहता है यहाँ पे। तो बस, और लहसुन प्याज की ज़रूरत पड़ती है तो उस वाले रूम से आ जाता है, तो मैं साफ़ कर रही थी। और साफ़ करते करते देखिए मेरा यहाँ पे आपसे बातें करते मेरा काम भी हो गया, और अभी तो मुझे यहाँ का सोफ़ा जो इसके सामने मैंने किचन के सामने एक सोफ़ा रख रखा है, जैसे कि ये काम हम करते हैं ना तो फिर कहाँ पे बैठना है इनको, थोड़ा सा बैठ पकौड़ी वकौड़ी छाने रखते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, तो वैसे इनका मन करता है। तो क्या होता है ना कि फिर मैंने यहीं पे सोफ़ा लगा दिया था, और अपने रूम से लगा के निकाल के मतलब साइड में सामने लगा दिया था, तो उसको भी साफ़ करना है। और इधर क्या था ना कि यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं तख्त, हाँ तख्त जो रखा हुआ है इसको भी साफ़ करना है। और मैंने कहा ना परम कर्तव्य है मेरा साफ़ करना, मैं मेरे घर को साफ़ नहीं रखूँगी तो कौन से घर के साफ़ रखूँगी, किसे साफ़ रखूँ, किस चीज़ को साफ़ रखूँगी। तो यही देखिए कि मक्खी दिखने लगी, मुझे ज़रा से भी मक्खी नहीं पसंद है, और यहाँ पे क्या है ना कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो डिटॉल डाल के तो मैं तो चट्टा का तो साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन नीचे कैसे साफ़ कर सकती हूँ। तो अपने घर में पोछा लगाती हूँ फिनाइल डाल के, फिनाइल है मेरे पास, तो आप लोग सोचते होंगे कहाँ पोछा लगाती हूँ, तो जो मेरे नीचे पड़ा हुआ है मतलब कमरे में रूम में उसी पे मैं पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या हुआ था ना कि ये सामान रखा हुआ था यहाँ पे, मतलब गद्दा रखा हुआ था, तो रात में क्या होता है ना कि जैसे हम लोग को कभी ऊपर लाइट नहीं रहती तो जाना पड़ जाता है, तो ये गद्दा यहीं पे रहता है और चटाई रहती है, तो चटाई तो साइड में रखी रहती है, और फिर लेके हम लोग चले जाते हैं ऊपर फटाक से,
तो वहाँ पे बिछा के सोते हैं, जैसे लाइट कट गई या कुछ हो गया तो फिर वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू का कपड़ा था तो वही मैं धो रही थी। और कोई भी चीज़ है तो संभाल के रखना ही पड़ता है चीज़ों को। और यह ना दिन भर कपड़े गंदे करता रहता है, दिन भर कपड़े, इसके कम से कम 3-4 जोड़ी कपड़े डेली निकल जाते हैं। तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये लेटा हुआ है, तब मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ, वरना नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। इसकी आँख में पता नहीं क्या हो गया, इसने ही अपने नाखून से ना आँख में मार लिया है। तो इसकी आँख में ना, ये अपने आँख में ना बहुत तेज़ी से, पता नहीं कब, रात में या दिन में, मुझे नहीं पता उतना, क्योंकि रात में ही इसने किया होगा ऐसा। और रात में क्या हुआ है ना कि इसने अपनी आँख में बहुत तेज़ी से मार लिया है, और पूरा आँख के ब्लैक वाला जो पुतली होता है ना, वहाँ से ले के पूरा वाइट के तक पूरा इसका रेड कलर का बन गया है। और मुझे बहुत टेंशन हो गई है। तो क्या हुआ है ना कि पेंसिलिन जो होता है, हम लोग के बचपन में चलता था, जो पेंसिलिन होती है उसको लेके आए हैं हस्बैंड। और बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आँख मलने लगता है, फिर हाथ पकड़ना पड़ता है इसका, और चोट लगा है ना आँख में तो इसको दर्द होने लगता है। और अपने आप से ही किया है ये, इसको कोई किया नहीं है, ये अपने आप से ही। आप लोग बोलेंगे कि बच्चा है ध्यान नहीं देती हो, तो हाँ मैं ध्यान देती हूँ 24 घंटे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसके साथ रहूँ, या इसकी मतलब कि इसको कोई मतलब कुछ खरोंच ना नहीं पाए। लेकिन अपने आप से नाखून इसका बढ़ गया था, तो नाखून तो मैं काटती ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे अपनी आँख में मार लिया, क्या खरोंच कर लिया है। या तो पेंसिलिन लगाया है, और भी मम्मी ने 1-2 उपाय बताया था, तो मम्मी दवा थी कोई तो उसी को लगाना था, तो वो भी दवा लगाई मैंने, तो अभी कुछ तो ठीक लग रहा है। लेकिन एक खरोंच जो बनी हुई है ना, वो बन ही गई है मतलब आँख में। और इसकी मतलब जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने के लिए पेंसिलिन लगा रहे हैं, अभी दवा लेके आए हैं तो वो लगा रहे हैं, डॉक्टर बोला है। तो वही सब हो रहा है इसका, मतलब देखते ही आँख में इतनी भारी चोट लग गई है इसको। लापरवाही से मेरे कि क्या मतलब कि ध्यान तो देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कर लिया इसने ऐसा।